ठीक है, सब ज्वाइन हो चुके हैं अब, तो भेषज कल्पना फिर से शुरू करते हैं। तो अपन ने अब तक भेषज कल्पना के दो मेजर टॉपिक जो हैं कंप्लीट कर लिए, दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए एक्चुअली 11 में से। पहला भेषज कल्पना का इतिहास, इतिहास का अपन ने चार भागों में डिवाइड करके पढ़ा था। कौन कौन से चार भाग कोई बताएगा? चार काल में डिवाइड कर दिया था इतिहास को, वो चारों कालों के नाम बता दो मेरे को। किसी को भी नहीं पता? मनीषा, क्लास नहीं ली थी। सुरभि, किसी ने भी नहीं ली थी? वापस देखी भी नहीं क्लास? डाली नहीं क्या अभी? वो ग्रुप पे डाल दी क्या क्लास? अच्छा देखो, तो चार कालों में डिवाइड की थी। कौन कौन से? एक तो हो गया वेदों वाला काल, वैदिक काल, फिर संहिता काल आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आगे मध्य काल या रसशास्त्रीय काल आ गया, जिसमें अपन ने रसशास्त्र का जो है एक चरम काल मानते हैं, जिसको रसशास्त्र सबसे ज्यादा विकसित फॉर्म में था उस वक्त। और फिर आधुनिक काल, 16वीं शताब्दी के बाद का काल। इस तरह से चार भागों में डिवाइड किया। फिर वैदिक काल में अलग अलग वर्णन किए गए, काष्ठ औषधियों के, अनेक जो है औषधियों की डिटेल बताई गई, तो ये सब अपन ने पढ़ा था। फिर उसके बाद जो है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता के टाइम का, यानी संहिता काल में कैसे डेवलप हुई औषधियों का ज्ञान, अनेक रोगों में अनेक योग दिए गए, जैसे च्यवनप्राश वगैरह, इन सब का वर्णन जो आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपने रसशास्त्रीय काल, जब रसशास्त्र बहुत ज्यादा विकसित था, तब शारंगधर संहिता जो है इफेक्ट में आई। शारंगधर संहिता में बहुत ज्यादा डिटेल में भेषज कल्पना का वर्णन था, ठीक है। तो शारंगधर संहिता को जो है भेषज कल्पना की रीढ़ की हड्डी की तरह माना जाता है, कि भाई वो संहिता के कारण भेषज कल्पना जो है आज अपन ढंग से पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद जो है आधुनिक काल, आधुनिक काल में फिर वो भाव प्रकाश वगैरह आ गई संहिताएं, तो वो चलने लगी। तो इस तरह से जो है अपन इतिहास लिखेंगे। फिर दूसरा चैप्टर अपन ने जो पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? आधारभूत सिद्धांत। अच्छा, ये क्लास तो तुमने ली थी, इसके लिए तो नहीं बोल सकते। तो आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से थे? बस 8 थे टोटल। सबसे पहले तीसरा औषध द्रव्य की विशेषता, चौथा पंचविध प्रचारी कल्पना, पांचवा द्रव्य से विपाक, और छठा विपाक मतलब विपाक का प्रभाव, और सातवां संस्कार, आठवां औषध योग का नाम। वेरी गुड, बस यही है, सात है एक्चुअली ये, है ना? क्योंकि तुमने काउंटिंग में 5 तक तो पढ़ लिया था, द्रव्य स्थित रस वीर्य विपाक। अच्छा, अलग अलग बताए गए, वैसे तुम एक ही मान सकते हो, क्योंकि रस वो सारे रसादि पंचक में आ जाते हैं, ठीक है, रस पंचक में, तो एक ही है वो पॉइंट एक तरह से, ठीक है। तो इन सातों की जो है अपन ने डिटेल में बात कर ली थी। अच्छा, इनमें मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेते, फिर भी एक बार वापस पूछ लेता हूँ। तो अगर मान लो आपको पात्र का निर्देश नहीं किया किसी योग को बनाते वक्त, तो कौन सा पात्र काम में लोगे? मृत पात्र। तेल नहीं बता रखा हो तो कौन सा तेल? अच्छा, भावना द्रव्य का निर्देश नहीं किया हो तो कौन सा द्रव काम में लेंगे? अच्छा, चंदन में अगर इंटरनल यूज करना है तो कौन सा चंदन लेंगे, एक्सटर्नल यूज करना है तो कौन सा चंदन लेंगे? ठीक है। अच्छा, औषध कल्प की विशिष्टता वाला जो है, उसमें औषध के चार गुण बताए गए हैं खुड्डाक चतुष्पादी में, कौन कौन से हैं? ठीक है। अच्छा, काश्यप ने कितनी मुख्य कषाय कल्पनाएं बताए, उनके नाम बता दो। वाली कल्पना है, और उसके अलावा चूर्ण और अभिषेक। बिल्कुल सही। शीर कल्पना किसने मानी मुख्य सुश्रुत कल्पनाओं में? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, जो संस्कार अपन पढ़े थे, तो उन संस्कार के जो है 10 टाइप्स थे बता रखे थे, उन 10ों के नाम किसको याद है? जल्दी बताओ। काल प्रकाश। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस तो फिर ये हो गया अपना संस्कार की बात।
और फिर औषधियों के नामकरण। तो मेनली नामकरण के दो मुख्य सिद्धांत है, बाकी अलग अलग बेसिस पे अपन नाम रखते हैं, तो कौन से दो मुख्य सिद्धांत है वो बता दो। पहला तो वो कि जिस द्रव्य का सबसे पहले नाम आता है किसी योग में उसके नाम पे जो है अपन नाम रख देते हैं, जैसे वासाग्रत तो वासा का नाम सबसे पहले आया, ऐसे ही चंद्रप्रभावटी तो चंद्रप्रभा, तो जो सर्वप्रथम जिस द्रव्य का नाम आया उसके नाम पर जो है नामकरण करते हैं। दूसरा जो प्रधानता में होता है, मतलब जो सबसे हाईएस्ट डोज में होता है, जैसे कि नवायस लोह में, तो नौ भाग अयस चूर्ण लिया था ना अपन ने, तो इसलिए उसका नाम नवायस लोह हो गया। ठीक है, तो ये दो मेजर सिद्धांत हो गए। उसके अलावा द्रव्य के आधार पर, उनके जो है आकृति के आधार पर जो है ऐसे अलग अलग करके नामकरण बता रखे हैं। ठीक है, अब आज अपन पढ़ेंगे मान प्रकरण। ठीक है, एक मिनट मैं पेज निकाल लेता हूं। हाँ, तो मान प्रकरण पढ़ेंगे। अब मान प्रकरण में चीज ये है कि देखो, प्राचीन एवं अर्वाचीन मत, मतलब प्राचीन मतलब ओल्ड टाइम्स, और अर्वाचीन मतलब मॉडर्न टाइम्स के अकॉर्डिंग जो है मान के अपन को स्टडी करनी है। इसके अलावा शुष्क एवं आर्द्र द्रव्य ग्रहण का नियम, ग्राह्य अग्राह्यत्व, नौ पुराण द्रव्य ग्रहण नियम, इन सबको जो है अपन डिटेल में पढ़ेंगे अब इस पॉइंट में। ठीक है, एक बात तो हुई ये। अब इसमें क्या है लोचा, कि जब मान अपन पढ़ेंगे ना, तो उसमें मान के अलग अलग टाइप बता रखे है, जैसे कालिंग मान, मागद मान, तो आपको याद करने इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, पूछते तो नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है पूछ लिए जाते हैं। तो इसके बारे में जो है अपन, जो ये टॉपिक है ना मान वाला, वो अपन लेंगे थोड़ा बाद में। अपन यहाँ यहाँ से पढ़ेंगे शुष्क एवं आर्द्रव्य ग्रहण नियम से। ठीक है, जो चरक सुश्रुत ने मान, चरक और शारंगधर ने मान बता रखे ना, वो अपन पढ़ेंगे कल की क्लास में। ठीक है, तो मान का एक तरह से सेकेंड पार्ट अपन पहले पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के दो पार्ट करते हैं अपन। पहला मान की डिटेल पढ़ना, जो मेजरमेंट्स आचार्यों ने बता रखे उनके बारे में पढ़ना, वो अपन करेंगे कल। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड कोई ट्रिक वगैरह होगी मेरे पास, तो वो मैं और आपको आज पीडीएफ बना के भेज दूंगा, और कल अपन जो है उसको ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज अपन पढ़ते हैं जो नियम है उसके बाद के, जैसे शुष्क एवं आर्द्रव्य ग्रहण का नियम, ग्राह्य अग्राह्यता, ठीक है, और जो है औषधि संग्रहण के बारे में थोड़ा बहुत अपन देख लेंगे। तो ये जो टॉपिक है स्टार्टिंग के, मैं अभी के लिए, कल के लिए जो है पोस्टपोन कर रहा हूँ इसको, है ना। तो ये अपन पढ़ेंगे, ऐसा नहीं पढ़ेंगे नहीं, बट अगर आपके पास ट्रिक्स वगैरह होंगी तो आप याद भी करोगे, फिर मेरे को पूछने में भी मजा आएगा। ठीक है ना, बाकी आज पढ़ना हो तो आज भी पढ़ा सकता हूँ, अब आप बता दो। कल मैं अगर कोई ट्रिक वगैरह हो वो शेयर करके फिर पढ़ाऊँ, या आज पढ़ाऊँ? ठीक है, फिर आज शुष्क एवं आर्द्रव्य ग्रहण के नियम तक पहुंचते हैं, फिर वो उसके बारे में बात करते हैं। कल ये मान जो है अपन पूरे पढ़ लेंगे डिटेल में। हाँ, तो अपन बात करते हैं पहले शुष्क एवं आर्द्र द्रव्य ग्रहण के नियम। एक सेकंड रुकना। अगर कुछ चीजें बुक में एक्स्ट्रा होती हैं वो देख लेते हैं तो सही रहता है। हाँ, तो तो शुष्क आयुर्वेदिक ग्रंथों में जो है औषध योगों में घटक द्रव्यों का जो मान बताया गया है वह शुष्क द्रव्यों का बताया गया है। यानी जो अपन मान प्रकरण में मान पढ़ेंगे ना सारे जितने भी बता रखे हैं वो शुष्क द्रव्यों के हिसाब से बताए गए हैं। अतः आर्द्र द्रव्यों के ग्रहण में उक्त द्रव्य दुगुने मान में ग्रहण करने चाहिए। यानी अगर आपने शुष्क द्रव्य किसी, मान लो सपोज करो किसी योग में आपने लिया है एक पल, और अगर उसी का आर्द्र द्रव्य आर्द्र रूप में काम में लेना हो तो अपन कितना लेंगे उसकी डबल मात्रा में। एग्जांपल के लिए मान लो आपने किसी योग में लिया है शुंठी काम में, तो वो लिया एक पल, लेकिन शुंठी किसी कारणवश अवेलेबल नहीं है लेकिन आर्द्रक अवेलेबल है, तो आर्द्रक आप लोगे उसको डबल डोज में। ठीक है, तो आज द्रव्य जो है आपको दुगुनी मात्रा में ग्रहण करने का बताया गया है। शुष्क द्रव्य गुरु एवं तीक्ष्ण वीर्य वाले होते हैं, कि जो सॉलिड टाइप के शुष्क टाइप के जो द्रव्य होते हैं वो कैसे होते हैं, गुरु व तीक्ष्ण टाइप के, तो इसलिए उनको जो है कम मात्रा में लेना चाहिए। और आर्द्र द्रव्य क्या होते हैं, डाइल्यूटेड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि आपके पास कोई मतलब है ना लिक्विड है, उसमें आपने एक किलो, जैसे एक किलो आपके पास पानी है उसमें आपने आधा किलो चीनी मिला रखी है, और वहीं आपके पास दूसरा द्रव्य है जिसमें वही एक किलो पानी है
उसमें अपना 250 ग्राम चीनी डाल रखी है। कौन सा जो है ज्यादा मतलब डेंस होगा, ज्यादा घना होगा, ऑब्वियसली जिसमें चीनी ज्यादा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात कर रखी है, जो शुष्क द्रव्य होंगे उसमें परमाणु पास पास होंगे, तो वो कैसा होगा, गुरु होगा, तीक्ष्ण होगा, उसमें वीर्य विपाक ज्यादा होंगे। जो आर्द्र होगा उसमें जला जलीयांश ज्यादा होगा, इसलिए क्या है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होंगे, उसमें जो उसके वीर्य विपाक वगैरह होंगे ना वो डाइल्यूटेड पतली फॉर्म में होंगे। डाइल्यूट चीज क्या होगी, जब उसको ज्यादा मात्रा में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे द्विगुण मात्रा में बता रखा है कि शुष्कम नवीनम यद द्रव्यम योज्यम सकल कर्मसु आर्द्रम च द्विगुणम युज्या देश सर्वत्र निश्चय। औषध निर्माण में जो द्रव्य शुष्क और नवीन हो उसको ही उपयोग में लेना चाहिए। आर्द्र और ताजा द्रव्य के प्रयोग से जो औषधि का जहां पे निर्माण करना हो उसमें क्या है, शुष्क द्रव्य से दुगुनी मात्रा में उसको लेना चाहिए। कारण, क्योंकि शुष्क द्रव्य गुरु और तीक्ष्ण और वीर्य बहुल होते हैं, इसलिए उनको जो है कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। ये चीज आ गई। अब इसके भी अलग अलग अपवाद बताए गए हैं, वो आप एक बार बुक से पढ़ लेना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसने बता रखा है कि जिन्हें हमेशा आर्द्र ही ग्रहण करना चाहिए किंतु द्विगुण मात्रा में नहीं, ऐसे कुछ द्रव्य बताए गए हैं, जैसे कि गुड़ुची, कुटज, वासा, कूष्मांड, शतावरी, अश्वगंधा, हरितकी, पुनर्नवा, विदारी, इंद्रवारुणी, ठीक है, पलंगकुशा, छत्रा, केतकी, मांस, ये और भी कई द्रव्य हैं। इनको जो है अगर आप आर्द्र रूप में भी प्रयोग कर रहे हो तो भी उतनी शुष्क द्रव्य जितनी ही मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, ऐसा आचार्यों ने बताया है, ठीक है। तो ये आप कुछ एग्जाम्पल्स याद कर लेना, इसमें से चार पांच, कई बार क्या होता है कि 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछ लेते हैं कि उन द्रव्यों के नाम बताइए जिन्हें आर्द्र अवस्था में भी समगुण अवस्था समगुण मात्रा में, शुष्क द्रव्य के समगुण मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। तो वहां पे आपको जो है चार पांच एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, तो इसलिए आपको 5-7 एग्जाम्पल इसके याद कर ही लेना, कौन कौन से द्रव्य हैं, 5-7 द्रव्य याद कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे बता रहेगा शारंगधर संहिता में आर्द्र व द्रव द्रव्य को द्विगुण लेने में विशेष नियम प्रतिपादित किया गया है। जैसे एक रत्ती से कुड़वमान तक सभी द्रव आर्द्र या शुष्क द्रव्यों का मान निर्दिष्ट मात्रा के अनुसार ही लें। यानी मान लो कि आपको दे रखे भाई एक रत्ती से एक कुड़वमान तक जो है आपको किसी औषधि द्रव्य को डालना है, तो उसको कितनी मात्रा में लेना है भाई, समगुण लेना है, द्विगुण लेना है, तो वहां पर जितनी मात्रा निर्दिष्ट की गई होगी ना योग में उतनी मात्रा में जो है आपको प्रयोग करना है। मान लो आपको जो निर्दिष्ट की गई मात्रा है वो है कि भाई आपको समगुण मात्रा में लेनी है, तो वहां पे आपको समगुण मात्रा ही लेनी है, वहां पे आपको श्लोक में बता रखा होगा कि कितनी मात्रा में लेनी है, ठीक है, निर्दिष्ट मात्रा में लेनी है। किसी औषध योग में किसी द्रव्य की मात्रा गुंजा, माशा, शाण, कोल, कर्ष, फल या कुड़ाव में हो तो उनकी निर्दिष्ट मात्रा में ही ग्रहण करना चाहिए, वही ऊपर वाली बात को जो डिटेल में बता रखा है। यदि द्रव्य प्रस्तादि मान से तुला मान तक हो तो निर्दिष्ट द्रव्य को द्विगुण मात्रा में लेना चाहिए, आर शुष्क के द्विगुण मात्रा में, ठीक है, समझ में आया यहाँ पे भाई। पहला जो बता रखी थी, जब आप कम मात्रा में कोई द्रव्य ले रहे हो तो वहां इतना डिस्टरबेंस नहीं होता, आप चाहे शुष्क लो चाहे आर्द्र लो समान मात्रा में ले सकते हो, ठीक है, जब मात्रा आपने डोज कम रख रखी है। जैसे जैसे डोज बढ़ाते जाओगे, मतलब मात्रा बढ़ाते जाओगे, उतनी ही आपको मतलब शुष्क और आर्द्र द्रव्य में अंतर आता जाएगा, उतना ही डाइल्यूशन बढ़ता जाएगा, इसलिए वहां पे द्विगुण मात्रा को प्रयोग करने का बताया गया। जैसे कि छोटी मात्रा कौन सी है, तुला या फिर है ना प्रस्थ, बताओ। तुला नहीं, सॉरी, तोला, तोला या प्रस्थ में, तोला, तो कम मात्रा वाले हैं, तो जब मात्रा कम होगी ना तब आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो 10 ग्राम पानी में मैं 1 ग्राम चीनी मिलाऊं या 2 ग्राम चीनी मिलाऊं, ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। वहीं 100 ग्राम पानी है, आप उसमें एक तरफ तो 10 ग्राम चीनी मिला रहे हो, एक तरफ डायरेक्ट 30-40 ग्राम चीनी मिला रहे हो, बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बता रखा है कि भाई अगर मात्रा छोटी हो ना, आप कम मात्रा में मेडिसिन बना रहे हो तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, शुष्क द्रव्य लो चाहे आर्द्र द्रव्य लो। लेकिन जब आप ब्रॉड लेवल पे बना रहे हो कोई मेडिसिन, तो आपको जो है ये शुष्क आर्द्रव्य अगर आप ले रहे हो तो वो द्विगुण मात्रा में लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा मात्रा में द्रव्य होगा तो वो ज्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में होगा, इसलिए जो है वहां पे द्विगुण मात्रा लेने का निर्देश किया है। जैसे कि प्रस्थ से लेके तुला मात्रा तक है जो
द्विगुण मात्रा में लेने को बोला है। ठीक है, फिर तुला से आगे और किसी भी मात्रा का लो, द्रोण, खारी वगैरह कोई से मात्रा का, तो या तो द्विगुण मात्रा में जो है उसको नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ी डाउटफुल लगता है कि भाई वो से यहाँ पे आपने बताया कि भाई कम मात्रा में ले रहे हो तो सम मात्रा में ले लो, उसके बाद थोड़ी जो है अपन ने बढ़ा दी डोज तो द्विगुण मात्रा कर दी, फिर और ज्यादा बढ़ाने पर वापस अपन सम मात्रा में ले सकते हैं, तो ऐसा क्यों? तो यहाँ पे इसीलिए है सिद्धांत ये कि भाई जनरली अपन जो है मेडिसिन बनाते हैं ना, तो भाई तुला मात्रा में बना ली है ना, 100 पल मात्रा जैसे कि, तो इतनी मात्रा में बनाते हैं ना तो वहां पे डबल मात्रा लेनी पड़ती है। ठीक है, ऐसा बताया चारंगदर ने, तो यहाँ पे आप ये याद रखना। ठीक है, ये चीज नियम है, आप चारंगदर बता के गए तो याद करना ही है, बाकी इसके पीछे का कोई और कॉन्सेप्ट होगा तो मैं आपको कल की क्लास में इसको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, ये श्लोक आपको याद होना चाहिए, मैं कल पूछूंगा। शुष्कम नवीनम यद द्रव्यम योज्यम सकल कर्मसु आद्रम चय द्विगुणम युज्यात देहम सर्वत्र निश्चय। ठीक है ना, फिर अपन बात करते हैं औषध द्रव्यों की ग्राह्य अग्राह्यता के बारे में, कि भाई इसके रिगार्डिंग बात यह है कि भाई कोई द्रव्य रस से काम करता है, कोई वीर्य से, कोई विपाक से, इसके अतिरिक्त कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो इन सबसे काम नहीं करते, प्रभाव से काम करते हैं। जैसे कि घी, घी कैसा होता है, गुरु होता है, शीत होता है, तो अग्नि को कैसा करना चाहिए, मानदेय करना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए? करना चाहिए। मानदेय करना चाहिए ना, लेकिन घी क्या करता है, अग्नि दीपन करता है, और घी के लिए एक स्पेशल और बात है कि घी जिस तरह की अग्नि दीप्त करता है ना वो ऐसी होती है मतलब स्टेबल, कि घी एक बार जो अग्नि दीप्त करता है वो लंबे टाइम तक फिर उसकी दीप्त रहती है अग्नि, फिर वो क्या है विरुद्ध आहार विहार करता है या ऐसात्म इंद्रियार्थ संयोग करता है, तब जाके उसका धीरे धीरे करके जो है सिस्टम बिगड़ता है। तो घी एक स्थायी अग्नि देता है, जाठर अग्नि को स्थायी रूप से प्रदीपित करता है, बढ़ाता है। तो ये घी काम कैसे कर रहा है, तो ये अपने प्रभाव से काम कर रहा है, जबकि इसके रस वीर्य विपाक तीनों जो है विरुद्ध हैं, विरुद्ध ऐसे हैं कि ये पूरी तरह चांसेस है कि अग्नि मानदेय करना चाहिए, लेकिन ये अग्नि को प्रदीप्त करता है। ठीक है, तो वो आ गया। कोई ऐसे कई द्रव्य हैं जो प्रभाव से काम करते हैं, जैसे दंती है, दंती कैसा उष्ण टाइप का द्रव्य है, ठीक है, तो उष्ण टाइप का द्रव्य, तीक्ष्ण टाइप का द्रव्य है तो शोषण करना चाहिए, शोषण करने के बजाय क्या करता है, विरेचन करता है। ठीक है, तो ये भी अपने प्रभाव से काम करता है। वमन विरेचन द्रव्य जितने भी हैं वो सब अपने प्रभाव से वमन या विरेचन कराते हैं। ठीक है, तो वो आ गया प्रभाव से काम करने वाले। फिर उसके बाद क्या रहेगा, द्रव्य के जिस अंग का में वीर्य होता है उस अंग विशेष का ग्रहण चिकित्सा में करना चाहिए। जैसे आप देखते हो, एग्जाम्पल के लिए बताऊं, मदन फल का अपन क्या काम में लेते हैं, याद है किसी को तो बता सकते? नहीं, वमन के लिए तो लेते हैं, कौन सा प्रयोज्यांग काम में लेते हैं, अंग कौन सा काम में लेते हैं, ये शायद आपने पढ़ा नहीं है, हैं? फल मज्जा नहीं लेते, गलत, फल मज्जा नहीं लेते, फल पिप्पली एक वर्ड आता है, पिप्पली पर्याय है बीज का यहाँ पे, तो मदन फल के बीज काम में लेते हैं अपन, फल मज्जा नहीं। ठीक है, ये तुम नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे जब क्लियर हो जाएगी ये चीज, कि भाई फल मज्जा नहीं लेते काम में, फल पिप्पली काम में लेते हैं, और पिप्पली मतलब बीज, तो मदन फल के जैसे बीज काम में लेते हैं। अब आपको जैसे बोलूं दशमूल है, दशमूल में कौन सा प्रयोज्यांग काम में लिया, मूल, वेरी गुड, तो दशमूल में मूल काम में लिए। ऐसे ही किसी में जैसे मान लो पंचवल्कल है, पंचवल्कल के कंटेंट पता है तुम्हारे मिश्र गण में, डीजी में, हाँ वेरी गुड। ठीक है, तो ये पांचों जो है इसमें यहाँ पे क्या ले रहे हैं अपन, त्वक काम में ले रहे हैं। तो यहाँ पे इसने ये बता रखा है कि जिस भाग में वीर्य होता है ना, अपन को जिस पर्पज से उसको प्रयोग करना है, और तो उस भाग को ही अपन को काम में लेना चाहिए। जैसे कि कईयों में मूल में वीर्य होता है मेनली, तो मूल काम में लेने चाहिए, जैसे मदन फल है वहां पे बीज में है, ठीक है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, तो वहां पे बीज काम में लिया है। किसी में त्वक में होता है तो वहां पे त्वक काम में लेते हैं, किसी में पंचांग में होते हैं तो पंचांग काम में लेते हैं। जैसे कि कई प्लांट्स है, निम्ब है, निम्ब के पंचांग काम में लेते हैं, नारियल है, नारिकेल, नारिकेल के जो है पंचांग काम में लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बता रखा है कि भाई जिस भी भाग में, प्लांट के जिस भी भाग में जो है वीर्य ज्यादा होगा
उस भाग को जो है काम में लेना चाहिए। सभी आर्द्र वे नवीन द्रव्य वीर्यवान होते हैं, ठीक है, और सभी शुष्क औषध मध्यम वीर्य और सभी जीर्ण द्रव्य निर्वीर्य निष्फल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक आपने पढ़ा शुष्क एवं नवीन द्रव्य जो होते हैं वो तीक्ष्ण होते हैं, वीर्यवान होते हैं, और यहाँ पे इसने शुष्क औषध को मध्यम वीर्य बता रखा है। तो शुष्कता से मतलब ये नहीं है कि भाई वो सूखा के काम मिले। अगर आप सूखा देते हो ना किसी को पत्ते, जैसे आपके पास कोई आपने पेड़ से डाली तोड़ी, उसको कुछ दिनों तक रख दिया, फिर वो शुष्क हुआ, तो वो एक शुष्क अलग चीज है। और दूसरी चीज क्या है कि जो अपन शुष्क और नवीन की बात कर रहे हैं ना, वो अलग चीज है। कैसे अलग है कि एक द्रव्य आपने मान लो चीनी का है, चीनी आपने शुष्क काम में ली है, ठीक है, तो वो शुष्क द्रव्य और नवीन द्रव्य अलग चीज हो गई। एक उसमें पानी मिला दिया तो वो डाइल्यूटेड आर्द्र बन गई, ठीक है। और एक अपन ने प्लांट का एग्जाम्पल लिया है जिसमें अपन ने प्लांट जैसे कोई भी डाली वगैरह तोड़ी, उसको कई दिनों तक के लिए जो है धूप में रख दिया और सुखा दिया, तो वो मध्यम वीर्य वाली हो जाएगी, उसका वीर्य धीरे धीरे क्षीण होने लग जाएगा। तो यहाँ पे ये शुष्क अलग है, और शुष्क और नवीन वाला शुष्क वो अलग है, दोनों में अंतर है। समझ में आया क्या अंतर, या वापस समझाऊं? शुष्क से यहाँ पे एक सुखा के शुष्क लिया है, और एक द्रव्य पहले से उसमें पानी वाटर कंटेंट कम होता है, दोनों चीजों में अंतर है, ठीक है। यहाँ पर जो ये शुष्क मध्यम वीर्य बताया है ना, यहाँ पे अपन ने इसको सुखाया है, मतलब इसको डाली पेड़ से जो है प्लांट से अलग करके फिर इसको स्टोर किया है, और वहां पर जो शुष्क एवं नवीन द्रव्य ग्रहण किया है उसमें क्या है कि वहां वाटर कंटेंट ऑलरेडी कम है। ये दोनों में फर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रखा है कि भाई शुष्क औषध जो है मध्यम वीर्य वाले होते हैं, और जो जीर्ण औषध यानी जो बहुत टाइम पुराने रखे हुए होते हैं वो निर्वीर्य या निष्फल होते हैं। जो औषधि द्रव्य विकृत गंध वाला नहीं होता है, स्वाभाविक रस गुण आदि से युक्त होता है, उसमें जो है नवीन और पुरातन कैसा भी हो उसका ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे कि कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं, पिप्पली हो गई, लौंग हो गई, ठीक है, काली मिर्च हो गई, इनमें क्या सीन होता है कि ये लंबे टाइम तक अपन प्रयोग कर सकते हैं, लंबे टाइम तक ये खराब नहीं होते, इनके वीर्य जो है ना लंबे टाइम तक क्षीण नहीं होता है, ठीक है, ये इनकी स्पेशलिटी है एक तरह से मान लो आप, कुछ ही होते हैं ऐसे द्रव्य। तो वो बता रखे कि ऐसे द्रव्य जो होते हैं ना, उनको नया हो चाहे पुराना हो, उनको जो है उतनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, उनको कैसे कभी भी ग्रहण कर सकते, ग्रत है, ग्रत पुराना नया कैसा भी आप प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। सुरा सोवीर वगैरह है, वो पुराने नए कैसे भी आप प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रखा है। फिर देवालय, वल्मिक, कुआं, मार्ग, शमशान की भूमि में उत्पन्न, अकाल एवं वृक्ष के मूल के पास उत्पन्न, अपने सामान्य आकार से कम या अधिक, ठीक है, जल, अग्नि या कोई भी कीड़े आदि से खराब हुए जो प्लांट्स हैं, औषधियां हैं, उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे कि देवालय, कि भाई मंदिर के आसपास का जो है मंदिर का स्थान है, वहां पे कोई पेड़ उग रहा है, तो उसके जो है पत्ते या फिर कोई भी उसका प्रयोजांग है, उसको जो है अपन को मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज नहीं किया करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पूज्य स्थान है। ऐसे ही वल्मिक वगैरह जो है वहाँ के जो एरिए होते हैं उनमें जो है अपन जो औषधि उगती है उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा शमशान भूमि, शमशान भूमि का भी है जो है अपन को वहाँ के प्लांट्स का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए मेडिसिनल पर्पज के लिए, ठीक है। ऐसे ही कोई वृक्ष उग रहा है, जैसे मान लो आपके घर में नीम उग रहा है, उसके पास एक छोटा सा वृक्ष उग रहा है दूसरा, ठीक है, तो उस छोटे वृक्ष का जो कम साइज का है उसके जो है अंगों का अपन को प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़ा प्लांट होगा वो ज्यादा जो रस आदि को है ना एब्जॉर्ब कर सकता है, ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा, तो जो साइड वाला प्लांट है जो छोटा रह गया उसमें न्यूट्रिशन की कमी होगी, तो वो चीज अपन मतलब न्यूट्रिशन की कमी होगी तो मतलब उसमें वीर्य आदि जो होंगे वो कम होंगे, तो इसलिए उनका प्रयोग करना जो है श्रेष्ठ नहीं होता, इसलिए यहाँ पे उनको प्रयोग नहीं करने के लिए बोला गया, ठीक है। समझ में आ गई है लाइन आपको, कि जितने भी पूज्य स्थान वगैरह हो गए या फिर ऐसे स्थान हो गए जहाँ पे उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला ऐसे प्लांट्स, उनको जो है औषधीय पर्पज से अपन को यूज नहीं करना चाहिए। साधारण देश की उत्तर दिशा में उत्पन्न औषधियों को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वहां पर उत्पन्न औषधि द्रव्य विशेष रूप से अपने गुणों से परिपूर्ण होते हैं। कुल मिला के यहाँ पे बता रखा है, जैसे अपन कोई भी चीज निर्माण करते हैं, नई बिल्डिंग वगैरह निर्माण करते हैं, अपन ने रसशाला निर्माण की, तो पूर्व और उत्तर दिशा इनको क्या है, शुभ दिशा माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पे इसने यहाँ पे
उत्तर दिशा का यहाँ पे बोला होगा कि ठीक है, तो अपने गुणों से परिपूर्ण होती है और ये शुभ दिशा भी है, इसलिए यहाँ पे प्रयोग किया गया। प्राणिज द्रव्य जैसे कि रक्त, हाँ बोलो। पूज्य स्थान के पास साइंटिफिक रीजन नहीं, जैसे अपन कोई चीज अब मान लो कई ऐसे मतलब आचार्य हुए हैं जिन्होंने तो पारद का इंटरनल यूज तक मना बताया, क्यों? क्योंकि भाई वो पूज्य है, शिव जी का वीर है। अब अपन जैसे मंदिर जाते हैं, आप मंदिर मस्जिद जहां भी जाते हैं, कोई जो पवित्र जगह होती है उसको कोई छू ले, पैर वैर लगा लिया उसके और पैर रख के सो जाए तो टोकते नहीं है उसको कि भाई पूजा का स्थान है या किसी चीज यूज मत करो। तो ऐसा ही कुछ वहां पे रीजन रहा होगा कि भाई पूज्य स्थान है, पूज्य स्थान के जो जो भी वहां पे अवेलेबल होगा, चाहे वनस्पति होगा चाहे प्राणी होगा, वो सब पूज्य है, उनको कोई भी किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी है, तो इसलिए जो है उनका मेडिसिनल पर्पज के लिए प्रयोग जो है मना बताया गया होगा। ठीक है, इसके अलावा आयुर्वेद क्या है, इस लोक के अलावा परलोक की चीजें भी मानता है, आत्मा, भूत, प्रेत, पिशाच, इन सबको भी मानता है। तो देवालय हो गए, शमशान हो गए, वहां पर कैसी होंगी तृप्त आत्माएं वगैरह भी हो सकती हैं, तो क्या पता उनके कारण भी ऐसा बोला गया हो। ठीक है, समझ में आ गया। जो पूज्य स्थान हो गए, शमशान वगैरह हो गए, वहां तो ये सब जो आपने बोल सकते हैं ना, जैसे एबनॉर्मल एक्टिविटी वाली जितनी भी चीजें हो सकती हैं उनके कारण भी तो मना किया जाता है। जैसे रात्रि के टाइम शमशान भूमि वगैरह इधर सोने की मना की जाती है, ठीक है, देवालय में सोने की मना की जाती है, क्योंकि वहां पर जो है मतलब एबनॉर्मल एक्टिविटीज वगैरह होती हैं, ठीक है, ऐसा मानते हैं। आयुर्वेद तो मानता ही आत्मा परमात्मा इन सबको, तो इसलिए यहाँ पे मना किया गया होगा। ठीक है, अब प्राणियों के जैसे है, अब आपको पास ब्लड है या फिर कोई मांस वगैरह है तो उसको आप कितने टाइम तक यूज कर सकते हो? जब तक ताजा है तभी तक तो यूज कर सकते हो, जैसे पुराना होगा यूज कर सकते हो क्या उसको? नहीं कर सकते। इसके अलावा मान लो आपको जैसे बकरे का या फिर मुर्गे का मांस खाना है, तो एक मुर्गा है हष्ट पुष्ट जिसको अच्छे से खिला रखा हो, एक मुर्गा है कमजोर सा वृद्ध टाइप का जिसके अच्छे से प्रकार से मांस भी मांसवादी धातुएं पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं हो, तो आपके लिए कौन सा ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा? जो हष्टपुट है उस टाइप का। तो इसलिए यहाँ पे बता रखा है कि प्राणी अगर आपको कोई द्रव्य लेना हो, चाहे वो रक्त हो, चाहे केश हो, चाहे अस्थि हो, मांस हो, वसा हो, तो वो किसका लेना चाहिए? युवा का, युवा पशु का ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार जो है सुश्रुत सारंगधर ने संपूर्ण प्रकार के द्रव्यों में नवीन ही लेने का निर्देश किया, किंतु विडंग हो गया, पिप्पली हो गया, गुड़ हो गया, धनिया हो गया, मधु, घृत, इन सबको जो है पुरातन लेने का निर्देश किया गया, क्योंकि जितने पुराने होते जाते हैं उतने वीर्यवान होते जाते हैं, मतलब उतनी इनकी पोटेंसी बढ़ती जाती है काम करने की। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपने औषध संग्रह से, औषध को प्रयोग से रिलेटेड नियम आ गए कि भाई कैसे औषध को अपन को ग्रहण करना चाहिए, किस प्रकार के को, कि नए को करना चाहिए या पुराने को करना चाहिए, पुराने को करना चाहिए तो कौन कौन से द्रव्यों को करना चाहिए। ठीक है, प्राणियों से अगर अपन को कोई प्लान कोई चीज लेनी है, चाहे उसका रक्त लेना हो, चाहे मांस लेना हो, चाहे वसा लेनी हो, तो किस तरह के प्राणी से लेनी चाहिए, किस अवस्था वाले प्राणी से लेनी चाहिए, भाई युवा हो, ठीक है, हष्ट पुष्ट टाइप का, उससे। फिर कौन सी दिशा में होगी औषधियों जो है अच्छी होती है, तो उत्तर दिशा पूर्व दिशा की जो औषधियां हैं उनको प्रशस्त माना गया है। इसके अलावा देवालय, शमशान आदि की भूमि है, वहां से जो है अपन को औषधियों का ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पूज्य स्थान होते हैं, वहां पे जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वगैरह है उनके संभावना रहती है, इसलिए भी शायद वहां की औषधियों को ग्रहण करने का मना किया गया है। ठीक है, तो ये अपने नियम हो गए। फिर आते हैं औषध द्रव्य संग्रहण, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, साधारण या जंगल देश में शीत, उष्ण, वायु, जल से परिपक्व औषधि, कंकड़, गड्ढा, वाल्मीकि आदि से रहित शमशान, वध स्थल, मंदिर, ठीक है, सभा स्थान, शार, बड़े बड़े वृक्ष रहित जलाशय के समीप, स्निग्ध कृष्ण मधुर मृत्तिका युक्त, और इस प्रकार के जो भूमि होती है अनुप्रहत, कि भाई जो अनुप्रहत मतलब जिसके गंध, रस, वर्ण, गंध आदि जो है खत्म नहीं हुए, मतलब जो पूर्ण रूप से रसादि पंचक से युक्त हो, इस प्रकार के द्रव्यों का ग्रहण करना चाहिए। अब इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। अब आपको कोई मेडिसिन लेनी है तो उसके लिए सबसे सही जगह कैसी होगी?
जहाँ पे केवल वही मेडिसिन उगती हो, दूसरे तरह की मेडिसिन नहीं उगती हो। जैसे कि तो आप अनार अनार के बाग से लेना पसंद करोगे या ऐसी जगह से जहाँ पे आसपास बहुत सारे दूसरे तरह के प्लांट उग रहे हो और एक छोटा सा अनार का प्लांट हो, कहाँ से लेना पसंद करोगे? जहाँ ऑलरेडी बागान हो, जहाँ उसकी जो है पैदावार होती हो, वहां की श्रेष्ठ होगी। ठीक है, तो वो यहाँ पे बात बता रही है। इसके अलावा जो अपन पहले भी बात कर चुके हैं, जो चैत्य वन है, जैसे कि पूज्य स्थान हो गया, शमशान वगैरह हो गए, वहां की मेडिसिन को अपन को वैसे भी प्रयोग नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अपन को पूर्ण रूप से गंध वर्ण युक्त, यानी पूरे अच्छे तरह पका हुआ आप द्रव्य लोगे या फिर कमजोर सा या फिर कच्चा काम में लोगे, तो वो चीजें यहाँ पे पके हुए जो अच्छे प्रकार से रस गंध वर्ण आदि से युक्त हो, उनका अपन को प्रयोग करना चाहिए। जो समतल भूमि में या अच्छी प्रकार से जो साफ सुथरी भूमि में उगे हुए हो, जहाँ पे कंकड़ पत्थर वगैरह जो है ये सब नहीं हो, ठीक है, ऐसी जगहों का जो है औषधि अपन को प्रयोग करनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे बता रखी है। फिर जल में कोई व्यक्त रस नहीं होता, किंतु पृथ्वी के संपर्क होने से जल में रस की अभिव्यक्ति हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है कि अंतरिक्ष रस, अंतरिक्ष जल जो है जल में श्रेष्ठ होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो किसी भी तरह के जो है पार्टिकल के कांटेक्ट में नहीं आया होता, एकदम प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होती है। ठीक है, इसलिए उसको जो है श्रेष्ठ बताया गया। ठीक है, वहीं वो जमीन में, जैसे ऊसर भूमि में अगर कांटेक्ट में आ जाएगा तो लवणीय हो जाएगा। ठीक है, मधुर भूमि के कांटेक्ट में आ जाएगा तो उसमें मधुर रस आ जाएगा। ऐसी कषाय भूमि, कसैली भूमि के जो कांटेक्ट में आएगा तो कसैला हो जाएगा। अम्लीय भूमि के कांटेक्ट में आने पर अम्लीय हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बता रखा है कि जल में कोई भी व्यक्त रस नहीं होता, लेकिन वो किसी भी भूमि के कॉन्टेक्ट में आएगा तो उसके अकॉर्डिंग उसमें रस की अभिव्यक्ति हो जाएगी। रस छह होते हैं, ठीक है, तो औषध द्रव्यों में भी जो छह प्रकार के रसों का संचार हो जाता है। अब यहाँ पे राजस्थान की भूमि में कोई मेडिसिन उगेगी और वहीं वो कोई हिमालय की भूमि में उगेगी, दोनों में जो है वीर्य में डिफरेंस होगा, भले ही सेम प्लांट हो लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा दोनों में। ठीक है, जहाँ उसका नेचुरल हैबिटेट होगा वहाँ की औषधि श्रेष्ठ होगी, जहाँ उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है लेकिन आपने वैसा एनवायरमेंट क्रिएट किया ताकि वो उग सके तो वहाँ पे उग तो जाएगा लेकिन उसके वीर्य विपाक प्रभाव उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे जितने उसके नेचुरल हैबिटेट वाले के थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज बता रखिए। अब संग्रह की विधि बता रखिए कि कैसे संग्रह करना है, आपको क्या विधि होनी चाहिए, किस काल में संग्रह करना है, वो चीजें यहाँ पे बता रखिए। तो एक बार क्लास वापस ज्वाइन करना, ये आखिरी टॉपिक अपन पढ़ के क्लास एंड करेंगे। ठीक है, अभी वापस ज्वाइन होना इसके लिए। और हाँ, आज का टॉपिक थोड़ा बोरिंग लग सकता है आपको, तो कुछ समझ में ना आए ना तो प्लीज ग्रुप में पूछा करो। ठीक है, या तो तुम पढ़ते नहीं हो, पढ़ते हो तो पूछते नहीं हो, सब कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें, तो कोई डाउट हो तो जरूर पूछो। मेरे को नहीं आता होगा तो मैं कहीं से भी पता करके तुम्हें बताऊंगा, लेकिन पूछा करो। ठीक है, इससे तुम्हारी भी नॉलेज क्लियर रहेगी, तुम्हें भी पता रहेगा क्या चीज समझ आ रही है क्या चीज नहीं आ रही है। ठीक है ना, अभी एक बार वापस ज्वाइन होना है, औषध संग्रह विधि पढ़ के और आज की क्लास एंड करेंगे।